एक बार एक लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से अपना प्यार का इजहार किया, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। उसने लड़के की भावना को नहीं समझी और हट से उसका इजहार को ठुकरा तो है बोली, प्यार और तुमसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना तुम एक महीने में कमाते हो इतना रुपया तो मैं एक हफ्ते में खर्च कर देती हूँ, इसलिए तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, आज के बाद तुम मुझे मिलना भी नहीं। ये कहकर वो लड़की चली गई। एक दिन अचानक एक मॉल में उस लड़की से मुलाकात होती है। लड़की से उसका हालचाल पूछा और उसके बीते दिनों के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। लड़की इतरा तो हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौज में हूँ। मेरा पति आज एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और उसकी सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीने। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, सब ही ऐसे आराम है। मेरा पति बहुत होशियार है। अब तो अपने बारे में कुछ बता। और हाँ, उस दिन तुमसे शादी ना करके कोई गलती नहीं की, क्योंकि यदि तुमसे मैं शादी कर लेती ये सपना मेरा सपना ही रह जाता। लड़की के पति ने नमस्कार करते हुए कहा, सर आप यहाँ? लड़की ने एकदम से चौंक के अपने पति की तरफ देखा और लड़की के पति ने कहा, ये मेरी कंपनी का मालिक है, इनका एक साल का 500 करोड़ का आबादी है, लेकिन हमारा सर एक लड़की को चाहती है, इसलिए आज तक उसने शादी नहीं की। लड़की उदास हो गई।